हाई एवरी वन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर कॉलिंग. दिस इज़ लवली एंड आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन. तो ये है यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 के क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट. तो एग्जॉस्ट के रूप में हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन है NH3, CH4, H2O, H2O2. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, H2O. H2O क्या है? वाटर है. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस करता है वाटर को एज एग्जॉस्ट. जो हाइड्रोजन व्हीकल होता है वो एक अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल है जो कि यूज़ करता है हाइड्रोजन को एज इट्स ऑनबोर्ड फ्यूल फॉर मोटिव पावर पावर देने के लिए. एंड ये जो फ्यूल सेल है इसमें क्या होता है, फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन को दिया जाता है, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन यूज होता है, एंड ऑक्सीडेंट वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है. एंड जो एग्जॉस्ट होता है, इमिट होता है, वो क्या है? वाटर, H2O. तो आंसर क्या सही हो जाएगा? वाटर, H2O. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. विच ऑफ द एवव इज आर द काउज एंड काउजेज ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन होने का क्या कारण है? यहाँ पे तीन दिए हुए हैं, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. तो जो एसिड रेन होता है ये होता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण. एटमॉस्फेयर में इन दोनों का रिएक्शन होता है किसके साथ? वाटर के साथ. एंड फॉर्म हो जाता है नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड. और ये जब पानी के साथ नीचे ग्राउंड पे आता है तो क्या बन जाता है? ये एसिड रेन. तो यहाँ पे 2 एंड 3 करेक्ट है. तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड ओनली. एसिड रेन क्या है? एसिड रेन रिफर्स टू एनी प्रेसिपिटेशन डैट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल. नॉर्मल न्यूट्रल क्या होता है? जब पीएच वैल्यू 7 होता है. एसिडिक कब हो जाएगा? जब पीएच वैल्यू 7 से स्लो डाउन होगा, यानी कि 7 से कम होगा. एंड जब 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक हो जाता है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है एसिड रेन क्या है? कि नॉर्मल से ज़्यादा एसिडिक होगा. एसिड रेन इज कॉज्ड बाई एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच रिएक्ट विद वाटर. जो कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एटमोसफेयर में क्या करता है? रिएक्ट करता है. और इस तरह से सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होके वो पानी के साथ नीचे आ जाता है, बारिश के साथ यानी कि नीचे आ जाता है. एंड वो क्या है? वो एसिड रेन है. नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक कौन सी द फॉलोइंग पेयर टर्म है? और यहाँ पे उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. बताना है कि जो पेयर है कौन सा सही है. मेल्ट डाउन यानी कि फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, रिसेशन यानी कि फॉल इन ग्रोथ रेट, एंड सो डाउन इन मतलब कि फॉल इन GDP. विच ऑफ द पेयर गिवन इज एवर करेक्टली मैच्ड? वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है क्या? मेल्ट डाउन फॉल इन स्टॉक प्राइजेस. तो ये सही है यहाँ पे. और बाकी के जो दोनों हैं सेकेंड और थर्ड वो गलत है. तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. आज इतने ही क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस ऐड नहीं हो पाए हैं. तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा. तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो होती है सबसे पहले आपके पास पहुँचे. एंड ये जो क्वेश्चंस हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. तो जो भी लोग हैं यहाँ पे वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यदि PDF चाहिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.